भंडारा जिले में दृश्यम फिल्म को शूट करने वाला हत्या का मामला सामने आया है और एक 23 वर्षीय लड़की की हत्या का अपराध साबित हो गया है। ये बात सही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 4 दिन की तलाश के बाद भी पुलिस को युवती का शव अब तक नहीं मिला है। पता चला है कि साल 2019 में अपने कार्यस्थल से लापता हुई कोलेवाड़ा निवासी अर्चना राउत नामक युवती की हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसका शव नहीं मिला, लेकिन गवाह के बयान के आधार पर गोबरवाही पुलिस ने 4 साल बाद हत्या का मामला दर्ज किया है। झकझोर देने वाली इस घटना में गोबरवाही पुलिस ने पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के आदेश पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में संजय चितरंजन बोरकर उम्र 47 वर्ष, राजकुमार उर्फ राजू चितरंजन बोरकर उम्र 50 वर्ष, दोनों निवासी नेहरू वार्ड कोलेवाड़ा व धर्म फागू श्याम 42 वर्ष शामिल है। मोगांव टोला सहित तुमसर अदालत ने उसे 31 मई तक 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। घटना के दिन से लापता अर्चना मानिक राउत उम्र 23 वर्ष संदिग्ध आरोपी संजय बोरकर के घर काम करने गई थी, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी तो परिवार ने गोबरवाही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना के दिन जब अर्चना की मां आरोपी के घर गई तो उसने अपनी बेटी का पीला दुपट्टा और चप्पल देखा, लेकिन आरोपी ने उसे धक्का दे दिया। गोबरवाही पुलिस पर बढ़ते दबाव को देखते हुए घटना के इकलौते चश्मदीद द्वारा पुलिस को दी गई गोपनीय सूचना से अर्चना की नृशंस हत्या की असलियत सामने आ गई। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक पुलिस को अर्चना का अब नहीं मिला है। पुलिस की तलाश अभी भी जारी है। भंडारा एसटीबी यांनी गोरवे कारवाई केली आहे, ज्यामध्ये 20/4/2019 एक मिसिंग होती, ज्याचं नाव अर्चना मानिक राऊत होता। ते 23 वर्षाची होती आणि कवलेवाडाची रहणार होती। त्यांची मिसिंग 20/4/2019 ला दाखल झालेली होती आणि ते एक संजय चित्रंजन बोरकर यांचे घरात ते काम करत होती आणि त्या दिवशी ते तिकडे गेली होती आणि नंतर बाहेर आलेली नव्हती। त्यानंतर त्यांनी तपास झाली पण तपासमध्ये काही निष्पन्न झाला नव्हता। पण आता एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आम्हाला मिळालेला आहे, त्याचा बयान घेतला। त्या बयानात असं निष्पन्न झालं की जे संजय बोरकर आहे, त्याचा भाऊ राजकुमार बोरकर आहे आणि त्यांचे जे ड्रायव्हर आहे धरम सर्याम, त्यांनी त्यांनी यांचा मर्डर केला आणि मर्डर केल्यानंतर चिखला माईलच्या एरियामध्ये त्याची जे डेड बॉडी आहे त्यांनी त्यांना त्यांनी दफन केला। आता पुढची तपास चालू आहे आणि या घटनेचे मोटिव का होता आणि घटना करण्याचा प्रोसिजर का होता आणि कुठे हे घटना झाली, कुठे ते डेड बॉडी आहे, डेड बॉडी आम्हाला मिळालेली नाही आहे। ते डेड बॉडी आम्ही घेणार आहे, त्याचा DNA आम्ही काढणार आहे आणि पुढची तपास करणार आहे। यामध्ये काही दुसरे आरोपी पण होऊ शकत आहे, त्याप्रमाणे पण आम्ही चौकशी चालू आहे। NBC News के लिए सिहोरा से जितेंद्र पटले की रिपोर्ट।